देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़, मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आप लोगों को पता कर रहे हैं कि किस एरिया में किसकी कितनी सीट आने वाली है, जैसे आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, तो हम सर्वे कर रहे हैं कि कहां कितने समर्थक किसके हैं। तो अभी हम मौजूद हैं मायापुरी चौक, वार्ड नंबर 101 है, तो वहाँ की जनता से हम बात करेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, आप लोग किसको सपोर्ट करोगे, झुग्गी बस्ती से कौन निकलेगा आगे। देखो जी, जो पहले थे जो राजकुमार खन्ना जी, वो तो काम कराते थे, और अभी जो सत्ता में वो भी करा, लेकिन जो अभी जो सत्ता में है इस टाइम MCD में, वो काम नहीं कराते जी, बिल्कुल भी पानी नहीं आता ढंग से। और BJP को चांस दिया था पहले, और अभी भी देंगे लेकिन अच्छा काम करे तो, लेकिन अभी जो प्रेजेंट कुछ काम नहीं कर रहे। आपके जैसे आप BJP के समर्थक हो, आपकी बात से लगता है कि आप BJP के समर्थक हो, तो BJP के समर्थक हो तो आपकी नज़र में जैसे आपके क्षेत्र में जो नहीं भी है निगम पार्षद, वो भी कौन है जो इस दौड़ में MCD की टिकट के लिए है BJP की तरफ से? जी अगर जो पहले थे हमारा जी, वो बहुत काम किए, उनका काम बढ़िया लगा था आपको? हमें बड़ा बढ़िया लगा था जी, वो तो आते भी थे अपने, हर एक दो महीने, तीन महीने, चार महीने में मिलने भी आते रहते थे, पूछते रहते थे कुछ काम है, लेकिन जब पिछले 3 साल से तो कोई निगम पार्षद है वो तो आज तक देखने भी नहीं। हाँ। इसका मतलब उनका माहौल यहाँ का खराब लग रहा है, खराब है। जो भी निगम पार्षद है जी, बिल्कुल टॉयलेट का वादा किया था बनवाने का पक्का, वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहते हैं हमें जिताओ पावर दो हम करेंगे, पावर आने के बाद भी आप एक बार मिलने भी नहीं आए, शौचालय माँ की और टूटे पड़े हैं दरवाजे, और वहाँ शेड लगा रखा है, कभी शेड टूट जाता है, और प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, कोई आदमी भी घुस जाता है लेडीज़ों में, किसको बोले सर बताओ, हम तो पावर देंगे आपको तो आप ही नहीं सुनते, हम किसके पास जाएं, हमारा अगर ऐसे ही चलेगा तो सर फिर हम दूसरा कोई देखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो हैं, पर जो निगम पार्षद अभी हैं उनसे संतुष्ट नहीं है ये, अभी हम और लोगों ऊपर है नंबर, ठीक है। हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 101 रमेश नगर में, जो कि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, झुग्गी बस्ती में रहते हैं और अपने पैसों से गली बना रखे हैं, निगम पार्षद को जो फंड मिला वो कहाँ गया, वो निगम पार्षद ही जानेगा। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे आप लोगों को? जी नाली नहीं सफाई, माया देवी। कितने साल से रहते हो यहाँ पे? मैं तो 40 साल से हूँ। अब यहाँ क्या क्या परेशानी है? जो कि यहाँ परेशानी है, शौचालय उतना सफाई नहीं रहता है, नदी नाला सब भर जाता है, कूड़ा का बड़ा भर जाता है, जब से मीना बिरवानी जीती है तब से कुछ सफाई नहीं है, इसका पहले सुबह सहदेवा था वो सही थे, सर सफाई करवाते थे। तो आप इससे पहले जैसे कि यहाँ की शिकायत लेके जैसे आप हो गए, आपके साथ आपको एक अकेले परेशानी नहीं है, पूरे समाज को परेशानी है, पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को परेशानी है, तो क्या आप लोग कभी निगम पार्षद के ऑफिस गए हो? हाँ गए थे, तो हम लोग गए थे सर सफाई के लिए। तो निगम पार्षद की तरफ से आपको क्या बोला गया था? बोल रहा था कि क्या भेज रहे हैं सफाई के लिए, एक दिन आते हैं सफाई करके चल जाते हैं, फिर नहीं आते, मैडम आती है वो सफाई करा के चले जाती है, फिर ऐसे को ऐसे रहता है, हम पानी कीचड़ में जाते हैं, आते हैं दूध लाने जाते हैं, चाय बनाना है, चीनी लाना है, सब लेके आते हैं, वही कीचड़ में जाते हैं, आते हैं। इस बार जो इलेक्शन है MCD का इलेक्शन है, MCD का जो इलेक्शन है, तो क्या आप लोग किसको सपोर्ट करोगे, इसलिए ऐसा माहौल देख के? कांग्रेस का राज था ना तो सही था, लेकिन जब से BJP जीते हैं बिना बिदमानी, जब से देखने नहीं आई है कि नाली का हाल कैसा है, कैसा नहीं, उसी का हम लोग सपोर्ट करेंगे, बात यहाँ है, पार्टी के बात नहीं है, जो ही पार्टी अच्छा करेंगे उसी का हम सपोर्ट करेंगे। आप लोग कुछ सोच के ही तो वोट दिए थे ना उनको, वोट तो दिए थे कि चलो हमारे गली नाला, देखो एक आदमी को क्या चाहिए, उसका नाला साफ हो, सड़क साफ हो, गली साफ हो, गली बनी हो, दिक्कत परेशानी ना हो आने जाने में। सर जो काम करेगा उसी का हम वोट देंगे, जो काम करेगा उसी के वोट दें, एक एक महीना सफाई नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा अमित कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा, तो मिश्रा जी ये बताओ यहाँ सपोर्ट किसको करोगे, जिस तरीके से परेशानी है सर, हम तो सपोर्ट आप इतने सारे लोग हो करके भी एक निगम पार्षद को नहीं बता पा रहे हो अपनी परेशानी, क्या करोगे आप आगे? सर हम तो BJP को सपोर्ट करते हैं, लेकिन BJP काम ही नहीं कर रही, 2-3 साल से आई नहीं रही, जीतती है घर में बैठे रहती, आती नहीं है यहाँ। आप लोग इसकी शिकायत जैसे उनके प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी है, आदेश गुप्ता तक पहुँचते हैं आप, उन लोगों से उससे भी ऊपर जो है उनको तो बोलते हैं आप? सर सिर्फ यही कहते हैं जिस दिन कोई BJP हम तो उसी सफाई होते, कहते अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम बोल रखे आगे, हमेशा यही बहाना मारते हैं उनकी, कभी अब आगे से कभी हो ना तो उनकी एक वीडियो बना लेना, जैसे बोलेगी टाइम नहीं है उनकी वीडियो आगे तक पहुंचाई जाएगी। गली की स्थिति जाकर देखो, ये पूरे जो मार कर किम की स्थिति देखो, क्या बिगड़ा हुआ है, ये BJP क्या कर रहा है यहाँ, कुछ नहीं कर रहा BJP, हमने कुछ नहीं कर रहा है,
मेरे गली में ये घर में पानी घुस जाता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है बीजेपी, समझे। कहता ये झाड़ू वाला के एरिया है, ये झाड़ू वाला के एरिया है, ये झाड़ू वाला के एरिया है, झाड़ू वाला हम नहीं सफाई करेंगे, हमारा काम नहीं है, जो करेगा वही करेगा, तो हमारे को जो काम अच्छा करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। निगम परिषद काम किया है या नहीं किया, ये तो जब एरिया में घूमिएगा तो आपको अपने आप को पता चल जाएगा, समझ गए। और कौन काम किया और कौन काम नहीं किया, जो आज से 15 साल पहले जो काम हुआ आज का काम नहीं हो रहा, चूँकि इसमें कारण भी है। देखिए बात ऐसा है, इसमें कारण ये भी है, जो हमारे पहले दोनों ही हमारे पास में था, नगर निगम भी मेरा था, विधायक भी मेरा था। आज का डेट में विधायक मेरा नहीं है, और विधायक नहीं होने का कारण वो उनको ऊपर में टालता, वो उनको ऊपर में टालता, यानी एक दूसरे पे बात फेंकते हैं। अगर कोई काम अगर कोई रुकता है या किसी भी सफाई का काम हो चाहे नाले का काम हो, कोई भी काम की अगर शिकायत लेके आप जाते हो तो वो उसके ऊपर डालते हैं, वो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। सफाई व्यवस्था इससे तो आपका काम नहीं हो पाता। सफाई व्यवस्था जो है, जैसे मेन नाला है, मेन नाला जब भरा हुआ रहेगा तो झुग्गियों का पानी निकलेगा कैसे, वो तो पिया जाएगा नहीं। MCD का काम है केवल सफाई करना, जब पानी निकलेगा नहीं तो सफाई कहाँ से होगा। नहीं तो उसमें कुछ नाले ना MCD के होते हैं और कुछ नाले विधायक के उसमें आते हैं अंडर में, वो चीज़ मेरे को मालूम है बहुत अच्छा तरीका से, मेरे को मालूम है। बड़ा नाला भी जो है दिल्ली सरकार को अंदर आता है, और झुग्गियों का भी जो नाला है वो भी दिल्ली सरकार को अंदर आता है, सलम को अंदर में आ रहा, समझ गए ना। लेकिन अभी का माहौल देख के, जो अभी के निगम पार्षद हैं, क्या वो अपने काम में सक्षम है या नहीं है, काम करवा करते हैं या नहीं करते हैं इस क्षेत्र में, आपके 100 वार्ड में। मैं कहने मेरे कहने का मतलब है, जो मैं निगम को झूठों को किसी बदनामी करने की बात नहीं, बदनामी होती नहीं, आपकी नज़र में कौन अच्छा है, क्या चीज़ बोले, जैसे कि आपकी नज़र में कौन अच्छा है, कौन अच्छा काम करेगा। आप तो देखो वोट देके अच्छा काम करेगा, और अभी मैं अभी आपके गली में घूम के आया हूँ, मैं पीछे सारे के सारे उन्हीं के पीछे पड़े हुए कि हमारी गलियाँ गंदी है, हमारे गली में काम नहीं। मेरे नज़र में अगर आज की डेट में अगर पूछा जाए, अगर ये सीट बचाया जाए तो एक ही आदमी बचा सकता है, बात बाकी किसी को बस की बात नहीं है। इतनी बड़ी बात आप कैसे कह रहे हो, मैं जान रहा हूँ ना। कौन है जो सीट बचा सकते हैं बीजेपी की, कुमार खुराना का सिवा कोई नहीं निकाल सकता यहाँ से, झुग्गी झोपड़ी से सीट, यहाँ की सीट जी, राजकुमार खुराना ही एक बंदा है जो आदमी को जो हकीकत बात है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार तो बहुत है, वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, सब मांगने के लिए। आपकी नज़र से राजकुमार खुराना है बस, जो काम करते हैं आप लोग ही सुनते भी हैं, तो जो अभी जो निगम पार्षद है वो नहीं सुनते आप लोगों की कुछ भी, सुनने की बात मेरी बात नहीं समझे, वो अपना जेब से उनके पास कोई अपना काम लेके जाओ तो सही, तभी तो करेंगे ना वो। हम तो प्रधान हूँ महाराज, मैं तो उनका प्रधान ही हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बीजेपी का काज करता हूँ, खुल के बात बता। बाकी लोगों में कोई बर्ताव नहीं रखा, छोटे बड़ों से सबसे मिलते जुलते रहे उन्होंने, ठीक है, सबके साथ उनका अच्छा व्यवहार था, और उन्होंने जब तक रहे 5 साल तब तक अच्छा काम किया, इसीलिए उनको वाला गया तो आज तक इस बार अगर अभी जो 22 पे चुनाव होने MCD के, उसमें अगर खुराना जी को टिकट मिलता है तो उनके साथ 100% कितने लोग होंगे उनके साथ, उनके साथ पूरे ये क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र उनके साथ है, पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र उनके साथ है। जुग्गी का 80% वोट रखकर खुराना जी के चेहरे से मिलेगा। एज कितनी है तुम्हारी? एज 21 है। 21 वोट बन गया आपका? तो अभी चलो तो 21 है, तो 3-4 साल से तो वोट दे ही रहे हो, तो किसको सपोर्ट करोगे इस बार? सपोर्ट राजकुमार खुराना जी को करेंगे MCD में। खुराना जी को ही? हाँ, खड़े होंगे तो उनका सपोर्ट करेंगे। यहाँ सारे जो है ना, जो आम आदमी है, वोट देंगे राजकुमार खुराना को, उन्होंने काम सपोर्ट करेगा। यहाँ खाली खुराना जी की जी, खुराना कोई और नहीं आएंगे, और आएंगे तो हार के जाएंगे इस बार। इस बार वो सीट निकालने वाले नहीं है बीजेपी, और निकाल भी नहीं सकते हैं इस बार। हाँ, राजकुमार गया इस क्षेत्र से, दल के लोग समझ लीजिए, सारे दल के वोट उन्हीं को मिलेगा। हम हैं वार्ड नंबर 101, तो यहाँ के हम लोगों से बात करना चाहेंगे, जो MCD में जो चुनाव है, तो किस तरफ इनका माहौल है, किस तरफ ये सपोर्ट करेंगे, क्या कहना चाहोगे? जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, चाहे कांग्रेस को? हम तो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं जी। बीजेपी को सपोर्ट क्यों करते हो आप? क्योंकि हमारे लिए वो बेहतर थे और हैं और रहेंगे। कौन थे अभी जो निगम पार्षद हैं? अभी पीछे आपके इधर सर्वे किया था तो काफ़ी लोग कह रहे कि हमारे यहाँ सफाई नहीं होती है,
काफ़ी सारी चीज़ें बीजेपी की, अभी एमसीडी है यहाँ पे भी निगम पार्षद जो बीजेपी की है, वो तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सफाई नहीं होती नाला, अभी मैंने मेरे पर खुद वीडियो पड़ी हुई है कि नाला साफ नहीं करते, तब कैसे आप खुश हैं बीजेपी से? नहीं जी, जब बीजेपी की सरकार, जब हमारे राजकुमार खुराना जी थे जब एमसीडी में, खुराना जी के थ्रू, हाँ जी, जब वो एमसीडी में थे उस वक्त काफ़ी बेहतर सफाई था, नाली का भी, रोड का भी, और हर चीज़ का व्यवस्था अच्छा था। और सबसे बड़ी बात तो ये था, जो राजकुमार खुराना जी से पहले जो एमसीडी गाड़ी आती थी, जब हमारे सारे चीज़ यहाँ से उठा पुठा के लेके चले जाते थे, और जब राजकुमार खुराना जी एमसीडी में आए थे उस वक्त उन्होंने खुद खड़ा होके मना कर दिए थे जो यहाँ से कुछ उठाना नहीं है, और जब से आज तक उसमें एमसीडी वाले ने हाथ नहीं लगाया, नहीं उठाया। तो आप एक बात बताओ, आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं या राजकुमार खुराना जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम तो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, और उस वक्त राजकुमार खुराना जी थे उनका भी सपोर्ट करते हैं, दोनों का सपोर्ट। अभी तो बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं यहाँ पहले से ही, तो बीजेपी सपोर्ट, बीजेपी का सपोर्ट है। तो आम आदमी पार्टी का जो जीरो बिल आ रहा है, क्या झूठ है या सच है? जीरो बिल सबका आ रहा है 200 यूनिट तक, ऐसा कहीं तो कहीं वो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री देने से हर चीज़ थोड़ी हो जाती है, फ्री देने से कुछ नहीं होता है, काम दिखाना भी पड़ता है। बस में लेडीज़ों को किराया नहीं लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी की तरफ से की है, तो क्या वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे? देखो, काम बोलता है, और बीजेपी ने जो इधर की हमारी मार्केट के लिए किया, जो हमारे लिए किया है, हम तो वही जानते हैं, वही बता सकते हैं। तो कौन है नज़र में आपके, जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? राजकुमार खुराना जी। तो वो तो अभी है ही नहीं निगम पार्षद, हमारे लिए तो उन्होंने ही शुरू से किया है, अभी भी वो नहीं है, फिर भी हम उनके पास किसी चीज़ मदद के लिए चले जाते हैं तो उनकी तरफ से मना नहीं होता, बाकी हम किसी के पास भी जाते हैं तो हमें लाइन लगानी पड़ती है और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है उनके अलावा। और राजकुमार खुराना जी के पास जाते हो तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती, अपना प्रॉपर तरीके से जो भी बात होती है खुल के होती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ ऐसा ही है, बहुत सपोर्ट राजकुमार खुराना जी को है। हाँ जी, अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो आप अपने साथ कितने लोगों को जोड़ सकते हो खुराना जी के लिए? मैं तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उतने जोड़ सकता हूँ मैं उनके लिए। अभी जो निगम पार्षद जीते हैं वो क्या काम नहीं करते यहाँ? कर तो रहे, 2 महीने से शौचालय बंद करके रखे हैं, अभी तक कुछ हो रहा है, देखिए ना ये कोई काम हो रहा है? नजर में जो कैसे पहले जो निगम पार्षद थे वो आए ना, कि झुग्गी वाले बस सहायता होना चाहिए, पब्लिक सहायता में कोई सा काम करे, देखो कोई नहीं जीतने के बाद, कोई नहीं घर में बैठ जाती है अपना, कोई नहीं जीत रहा है। नहीं तो अभी के थे, कौन जीत रहा है अभी वाले बीजेपी वाले, कौन जीत? अभी के जो निगम पार्षद सही थे या इसके पहले जो निगम पार्षद थे वो ठीक थे? जो अभी का जो निगम पार्षद है वो गलत है, क्योंकि आज तक ले देखने नहीं आए हैं, और जो इसके पहले जो निगम पार्षद राजकुमार खुराना जी थे उनका देन है कि ये स्कूल बनवा दिए 12 तक ले, हाँ? वो 12 तक ले स्कूल, ये सामने स्कूल दिखाई दे रहा है, देखिए ये सामने पीपर के सामने, ये सामने स्कूल दिखाई दे रहा है यहाँ। वो राजकुमार खुराना जी नेता अच्छा थे, और टिकट मिलना चाहिए तो राजकुमार खुराना जी को मिलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को सेवा करते हैं, और अपने जैसा वो नहीं सोचते हैं कि ये अमीर है ये गरीब है, सबको बराबर बैठाते हैं, सबको बराबर देखते हैं और अच्छा से देखते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो अमीर वाले। ये जो अभी खत्ता है इस पे इतना, ये सारा ये खत्ता मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है, ये कम से कम हमारे इतना 5-5.5 फुट गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये 5.5 फुट गड्ढा है, और इसमें गड्ढा कितने बार बोला गया कि इसको भरवा दो, बाकी आज तक ले नहीं भरवा। निगम पार्षद के पास आप शिकायत नहीं किया? हम लोग शिकायत भी किए, हम लोग बोले भी, दिखाए भी थे, बाकी उसने काम नहीं किया भाई। देखो भाई, हाँ, गली में सीवर का काम चल रहा है, चलो गाड़ी नहीं आ सकती है, हाँ वो बात सही है, ट्रोली से रिक्शे से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो साफ करने भी नहीं आते भाई साहब, वो साफ करने भी नहीं आते। आप कितने बार गए हो वहाँ पर? आप कितने बार हम लोग बोले हैं, कहे हैं कि साफ करो, बाकी पानी एप्लीकेशन तो नहीं दिया। आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, एक ना एप्लीकेशन लिखो आप, और उस पे जितने लोग हैं, जो जिन लोगों को ज्यादा परेशानी है खत्ते से कूड़े से, देखो बीमारी फैलेगी, यहाँ रहना आप लोगों को है। मैं तो देखो आया हूँ आधे घंटे एक घंटे के लिए, चला जाऊंगा अपना काम करके, ठीक है जी, पर यहाँ जो बीमारी फैलेगी वो आप लोग ही रहते हो, आप लोगों को पहले कदम उठाना पड़ेगा। वो देखिए, मैं पूरा वहाँ है, हमारा घर वही है। जब बारिश आती है तो गली में पानी चला जाता है, घर में पानी चला जाता है। एप्लीकेशन लिखो, जितने लोग हो सारे लोग एप्लीकेशन पे साइन करो, और निगम पार्षद को एक फोटोकॉपी करा लेना उसका, एक निगम पार्षद को दो, और एक अपने पास रखो, उनसे पूछो कब तक साहब ऐसे क्यों,
हम किए नहीं है, बाकी उनको भी तो दिखाई देना चाहिए कि जिस एरिया में हमने जीता है उस एरिया में जाकर कुछ काम करे, या हम उनके बाद बार बार जाकर कहेंगे तभी हमारे एरिया में काम करेंगे, ये भी तो नहीं हो सकता है। हमारे राजकुमार खुराना जी अच्छा नेता थे, उसने जो बंदा कहा वो काम किया है, वो भी नाली साफ कराते थे, दो चार वो जो भी यहाँ पूजा पर आते थे सबको सेवा करते थे और अपने जैसे सबको बराबर। अभी काम सही कुछ भी नहीं हो रहा, कूड़ा उधर देखो हफ्ता दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है उधर, और फिर घर में नाली में पानी आ जाता है, रास्ते में पानी आ जाता है, कूड़ा भरा रहता है, कोई साफ नहीं करता है, बस ड्यूटी अपना करा इधर की उधर चल दिया। हाँ सब लोग कही बाजू की शौचालय के कितना परेशानी। राजकुमार भाटी ये खुराना जी का क्या कैसा नेचर था जो लोगों को अच्छा लगा, जो काफी सपोर्ट में उनके ही हैं? हम लोग अच्छा है तो टिकट मिल जाए जीत जाओ, हम लोग बहुत खुशी बन जाए। हाँ हम लोग को खुशी है, कुछ करेंगे हम लोग का है। एमसीडी का चुनाव जो है जी, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हरदम रहे, और उसके बाद रहे भाजपा की सरकार। सरकार ये है कि हमारे इस लाइन में जो है एमसीडी से परेशानी रहती नहीं है, परेशानी नहीं रहती है, तो जो तोड़फोड़ मचाते हैं कांग्रेस सरकार हरदम तोड़फोड़ मचाती है, और यह एमसीडी का सरकार भाजपा जो होती है आमदी इस मार्केट को हमदर्दी बढ़ाती है। तो अभी जो निगम पार्षद है भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, क्या उनके काम से खुश हो आप? क्या नाम है उनका? गुरमानी जो मैडम है, गुना बिरवानी, उनके काम से खुश हो अभी आप? इनके काम से तो मैं खुश हूँ। तो जो पहले यहाँ के निगम पार्षद थे पूर्व, ऐसा है कि अब पार्टी के नाम से दिया वोट जरूर, लेकिन ये इनके काम से प्रसन्न नहीं हो। ऐसा है ना कि जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं, हमारे यहाँ जैसे राजकुमार खुराना जी थे, लोगों में मिलना और जब मर्जी हो आना, सबसे गले लगना, मतलब जो एक व्यक्तिगत उनका व्यवहार था बहुत बढ़िया था। और काम के लिए 12 बजे रात को हम जाते थे, 1 बजे अरे सर ये बात है, हाँ अभी तुरंत भेजते थे, ये काम वो काम, साफ सफाई, सीवर, 1-2 शौचालय खुले हैं, 10-15 हज़ार की आबादी होगी लगभग यहाँ शौचालय, तो इतनी गंदा दो मार्केट कहाँ से लेके कहाँ तक पूरा रोड है ये सर, आपको चले जाएंगे आप ये चौक से लेकर के ये जहाँ लक्कड़ मंडी, लक्कड़ मंडी का इश्यू, हाँ इधर लक्कड़ मंडी और नाले के उस पर फर्नीचर ब्लॉक, ये सारे लक्कड़ मंडी के अंदर आते हैं टोटल, ये यहाँ से वहाँ तक, वहाँ 2 शौचालय चल रहे, बाकी टोटल शौचालय बंद है। 15,000 लोगों की भीड़ है यहाँ, 15,000 लोग हैं, 15,000 लोगों की भीड़ है। तो शौचालय कितने हैं यहाँ? 2 खुले हैं और 1-2 तीन, कहाँ जाते हैं फिर लोग परेशान? जंगल में 6-8 आदमी का पीछे लाइन में खड़े हैं लोगों के, 1.5-2 महीने से वहाँ से यहाँ तक पाइप डली नहीं, अभी देख लो 2 महीने हो गया, आप समझ सकते हैं शौचालय की मेन परेशानी यहाँ दिक्कत है। शौचालय सीवर जाम, दुनिया भर की यहाँ दिक्कतें हैं। तो निगम पार्षद जो है अभी आपके यहाँ के, तो उनसे की शिकायत नहीं की? आप बताए नहीं, मौके पर वोट पा जाएंगे? नहीं कोई कोई लेटर नहीं दिया, जैसे एप्लीकेशन होता है मौके पर जाकर, कहा मौके पर जाकर कह दिया, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं। कहना तो देखो एक कहने की तो बात ही कहने की हो जाती है, वो तो बात अलग हो गई। एक लैसे की कितने लोग हैं जिन लोगों को दिक्कत है, एक पेज ऐसा है कुछ पहला नंबर साइन करके आदमी है जैसे रहते हैं कि उनको उस पे साइन करके जितने लोग हैं, जो लोग परेशान है, जितने दिक्कत है, पूरे एक पेज पे साइन करते रहो और फोन नंबर के साथ कि किसी भी आदमी को फोन करके वो बात करे कि हाँ भाई दिक्कत है कि नहीं है। ऐसे किया कभी आप? नहीं किया तो नहीं साहब, लेकिन मैं चीज हर एक तरीके से उनकी कोई बात कर, कहीं विदेश गई है अभी उस बीच में गया था तो उसके बाद पता लगा बाहर चली गई है, फिर क्या कहूँ अब इसके आगे कोई उपाय नहीं। फिर उनके जो आदमी है वो कहते हैं कि हम जो है अभी भेजता हूँ आदमी करवा देंगे, अभी आप देखिए एकदम से वैसे पड़ा है सारा, भी पूरी गंद पूरी मची है। 30 साल से मैं यहाँ हूँ, ज़्यादा ही हो गया होगा, 38-39 साल हो गया होगा, बीच में एक ही कैंडिडेट आया राजकुमार खुराना नगर निगम से, बाकी तो मुझे नहीं लगा। एक पाँच वर्ष के लिए उषा मेहता जी थी तो वो 2-3 बार, लेकिन जो 5 साल में उन्होंने काम किया और जो खुराना जी ने काम किया इसका कोई जवाब नहीं। मतलब जो यहाँ सपोर्ट वैसे बीजेपी को करते हैं, पर अगर व्यक्तित्व के ऊपर आदमी को अगर ढूंढे तो वो खुराना जी है सिर्फ, और कोई नहीं। माहौल क्या है दिल्ली में? तो आम आदमी पार्टी का है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। तो यहाँ काफी लोग तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का, बीजेपी यूपी में तो बीजेपी का, यूपी में तो बीजेपी का, यहाँ दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है।
किसको सपोर्ट करोगे इस बार जो चुनाव हो रहे हैं एमसीडी में? बीजेपी को ही सपोर्ट करने वाला आदमी हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ठीक है सर। मगर ऐसा है कि सर, ऐसा बीजेपी ने इस पीरियड में जो सरकार है इस समय नगर निगम में, वो कभी इधर पे उनका सकल नज़र नहीं आता है इस टाइम। अब पहले जो राजकुमार खुराना जी थे, वो लोग थे, उनको ध्यान था मुझे कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके वजह से आदमी कहते हैं कि इससे बढ़िया आम आदमी पार्टी ही अच्छी है। कम से कम काम करता आए तो आएंगे तो जाएंगे यहाँ से, उनके घर पे भी जाओ तो उनका पता नहीं चलता है। किनके घर पे? जो अभी निगम पार्षद हैं, अभी जो निगम पार्षद हैं, उनके घर पे जाओ तो बात भी नहीं करते? बात करने के लिए करते हैं, मगर अच्छा, पता ही नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं, काम करने को राजी नहीं। काम लेके जाओ आप, नहीं सुना? ये बाथरूम देख रहे हैं आप, कितना दिन से रोड पर बहता था, मगर इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला। हाँ ठीक है सर, इसके वजह से यहाँ पर तो बीजेपी सरकार अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर काम करता है ने सारे काम खराब कर रहे हैं, काम करता है ने खराब कर रखे। और बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, जितना अच्छी होनी चाहिए उतना ही अच्छी है।